आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टू का JCERT बुक इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द कॉक ए क्लेवर फ्रेंड। जिसका नाम है द कॉक अ क्लेवर फ्रेंड, जिसका हिंदी होता है मुर्गा। कॉक का मतलब क्या था? मुर्गा, एक चालाक दोस्त। क्लेवर का मतलब क्या था? चालाक। और फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यह कहानी भी समझ में आ जाएगी और इसे पढ़ना भी आ जाएगा, तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देयर वॉज ए कॉक, एक मुर्गा था। There was a cock, एक मुर्गा था। There was a rabbit too, एक खरगोश भी था। Rabbit मतलब क्या था? खरगोश। एक खरगोश भी था। They were friends, वे दोनों दोस्त थे। तो दोस्त कौन कौन थे? मुर्गा और खरगोश। The cock lived ऑन ए ब्रांच, मुर्गा पेड़ की एक डाल पे रहता था। ब्रांच का मतलब होता है डाल, जिसको शाखा भी बोलते हैं। तो मुर्गा कहाँ रहता था? पेड़ की एक डाल पे रहता था, ठीक है। द रैबिट लिव्ड अंडर ए ट्री, और खरगोश जो था वो पेड़ के नीचे रहता था। अंडर का मतलब होता है नीचे, और ट्री का मतलब होता पेड़, यानी खरगोश पेड़ के नीचे रहता था। वन नाइट, एक रात को, अ फॉक्स केम, फॉक्स का मतलब होता लोमड़ी, तो एक लोमड़ी आई। शी वॉन्टेड टू ईट द रैबिट, वो वॉन्टेड का मतलब चाहना, मतलब वो लोमड़ी जो थी वो खरगोश को खाना चाहती थी। द कॉक यानी मुर्गा सो द फॉक्स, मुर्गा ने लोमड़ी को देख लिया, मुर्गा ने लोमड़ी को देख लिया। सो का मतलब हुआ देख लिया। द कॉक यानी मुर्गा हैड एन आइडिया, उसे एक विचार सूझा, मतलब उसको एक आइडिया आया। क्या आया देखें? द कॉक क्राउडेड, मतलब कॉक अ डूडल डू, मतलब कौवा जो है, मुर्गा जो है वो बांग लगाने लगा। क्या बांगा? कुकड़ू कू बोलते हैं ना, इस तरह कुकड़ू कू का आवाज़ निकालने लगा। द मंकी वॉक अप, बंदर जाग गया। वॉक अप का मतलब होता है जाग गया। द लायन वॉक अप, शेर भी जाग गया। द रैबिट वॉक अप, खरगोश भी जाग गया। All the birds and animals woke up, सभी चिड़िया यानी पंछी और जानवर भी जाग गए। The fox ran away, इसे देखकर लोमड़ी भाग गई कि सभी जानवर जाग गए, इसीलिए देखकर लोमड़ी क्या हुआ? भाग गया। The fox saved his friend, मुर्गे ने अपने दोस्त की जान बचाई। The rabbit मतलब मुर्गे ने अपने दोस्त खरगोश की जान बचाई। तो इस तरह से स्टूडेंट यह कहानी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। स्टूडेंट, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।